तो गाइस यार गर्मी इतनी पड़ रही है यहाँ कि हमें इस रोड के ऊपर ही ये कूलर लगाना पड़ रहा है, मगर इस कूलर में एक कमी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस कूलर के अभी अंदर बिल्कुल पानी की एक बूंद तक नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा मेरे टीममेट से कि मोटर चालू कर दीजिए और इसके अंदर हम पानी भर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इस कूलर के अंदर पानी भर लिया, कूलर हमारा एकदम टनाटन तैयार हो चुका है, मगर अभी भी इसके अंदर एक चीज की कमी है, तो चलो वो पहले पूरी कर लेते हैं। वीडियो विशेषज्ञों की निगरानी में बनाया गया है, इस वीडियो में सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है, आप कृपया इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। ओके तो यार फ्रेंड्स हमारा फंडा ये है कि यहाँ पे हमारे पास इनो की जो चार बोतल होती है वो हमारे पास तैयार है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑरेंज फ्लेवर है, लेमन फ्लेवर है और जो दो बोतल होती है वो रेगुलर फ्लेवर है। अब आप समझ गए होंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम करने वाले हैं ये है कि इन सभी बोतल्स को इसके अंदर खाली कर लेंगे और फिर इसके बाद में इस कूलर की हवा खाएंगे और फिर देखते हैं कि जो इनो वाली हवा होती है वो किस प्रकार आती है, क्योंकि कहते हैं ना कि यार इनो सिर्फ 6 सेकंड में काम शुरू करता है, तो अब ये इनो इस कूलर के साथ कितने सेकंड में काम शुरू करता है। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं जो इनो की जो रेगुलर पैक होता है वो हमने डाल दिया है पानी में, अभी तक कोई भी बदलाव नहीं आया। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार ये ऑरेंज और ये लेमन डाल लूं तो क्या होगा, तो चलिए पहले मैं ऑरेंज जो फ्लेवर होता है वो डाल देता हूँ। गाइस देखा ना आपने यार, जैसे ही मैंने इनो के सारे फ्लेवर इसके अंदर डाले तो यार इसके पानी के अंदर सच में तूफान सा आ गया। मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कैसी स्मेल आती है, सच में यार स्मेल तो इतनी गजब आ रही है ना, क्या क्या बताऊं। मैंने ना सारी चीजों को अटैच कर दे इसके अंदर डाल दिया है और इसका कलर भी अब काफी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसका ऑरेंज कलर हो चुका है। अब पता नहीं यार इसकी हवा कैसी आने वाली है, क्योंकि जो स्मेल है वो तो काफी शानदार आ रही है। तो अब इसके जो हनीकॉम होते हैं वो पे लगा देता हूँ, मगर पहले आपको ये बताऊंगा कि पानी किस प्रकार गिरेगा, उसके बाद मैं इस कूलर के आगे बैठ जाऊंगा और हवा खाने वाला हूँ। आपको एक बात बता दूं कि इसके अंदर जो ऑरेंज फ्लेवर था वो उसकी ज्यादा सबसे ज्यादा खुशबू मुझे आ रही है। रेगुलर खत्म हो चुका है और लेमन भी लगभग गायब हो चुका है यार, जिसकी ऑरेंज फ्लेवर है वो काफी मुझे महसूस हो रहा है। तो यार मैं तो इनो की हवा खा चुका हूँ, काफी अच्छा महसूस हो रहा है, सच में बहुत मुझे ठंडक महसूस हो रही है इसके सामने बैठ के। मैं पूरा दिन यहीं पे बैठ के हवा खाने वाला हूँ। तो वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताएं। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।